हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गुलशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में इस लेनोवो का जो वायर्ड माउस है, ऑप्टिकल माउस, इसका मतलब हम रिपेयर करके दिखाएंगे, क्योंकि ये काम नहीं कर रहा है। एक बार हमसे गिर गया था नीचे और ये काम नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये सब वायर्ड माउस में कुछ ख़राब नहीं होता, थोड़ा बहुत ये तार वार छोड़ देता है या फिर अंदर में कुछ मतलब वो प्लास्टिक का लगा हुआ तो वो फिर टूट फूट जाता है, तो इसलिए काम नहीं करता। तो अगर वो टूटा फूटा होगा तो उसको हम सही कर देंगे, या फिर वायर अगर ख़राब हो गया होगा वहाँ से तो चेंज कर देंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम आपको इसको खोल के दिखाते हैं। और मतलब इसी तरह से आप सारे वायर्ड माउस को खोल सकते हैं। तो सबसे पहले आप नीचे में देख लीजिएगा, अगर आपको क्लियर मतलब स्क्रू दिखे तो वहाँ से खोल लीजिएगा, या फिर किसी किसी में ये जो जो इसका पैर दिया हुआ रहता है ना, ये वॉलवेट वाला, इस वॉलवेट वाले को, इसके कैप, ये कैप है एक तरह से, इसको उखाड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे हमको, यहाँ पे दिख रहा है सामने में ये स्क्रू, इसको हम खोल लेंगे। या फिर किसी किसी माउस में लिखा रहता है क्यूसी पास्ट, उसके नीचे रहता है मतलब ये क्वालिटी चेकअप पास्ट रहता है ना, उसका स्टिकर चिपका होता है, वो वारंटी के लिए रहता है कि मतलब वो स्टिकर आप उखाड़ दीजिएगा तो वारंटी वैलिड नहीं रह जाएगा, उसके नीचे ही स्क्रू रहता है, क्योंकि आप खोले ना, यहाँ पे था तो यहाँ पे यहीं पे स्टिकर था, तो स्टिकर हम उखाड़ दिए। उखाड़ने के बाद यहाँ पे आप सबसे पहले स्टिकर उखाड़ कर चेक कर लीजिएगा, ज़्यादातर केस में स्टिकर के नीचे ही रहता है स्क्रू। तो यहाँ से स्टिकर उखाड़ लिए, स्टिकर उखाड़ने के बाद यहाँ पे हमको स्क्रू मिल गया। तो यहाँ से हम खोल लेते हैं इसको जल्दी जल्दी। स्क्रू हम निकाल लिए बाहर, उसके बाद आराम से इसको खोल लेंगे धीरे धीरे करके। तो खोल लिए, देखिए इसमें इसका दो पार्ट, इसमें भी ये कैप है ऊपर से, तो ये देखिए दब रहा है, दोनों लेफ्ट और राइट क्लिक करने पे दबता है। और ये यहाँ पे इसका पूरा मशीन मतलब मदरबोर्ड एक तरह से बोल सकते हैं इसको आप, और यहाँ पे व्हील लगा हुआ रहता है। तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं कुछ, वो मतलब ऐसा भी होता है कि फंस जाता है तो काम वाम नहीं करता। इसको हम पहले खोल के देख लेते हैं, अगर ये भी खोल के दिखा देते हैं आपको कैसे खुलता है ये। इधर से ये देखिए, यहाँ से लॉक लगा हुआ है और दो यहाँ से और बीच में लॉक। तो एक तरफ से सबसे पहले एक तरफ से लॉक हम खोल लेंगे, यहाँ से लॉक खोल लेंगे धीरे से। दोनों साइड से आराम आराम से खोल लेंगे, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, अगर हड़बड़ाएंगे तो उसका लॉक टूट भी सकता है। तो धीरे धीरे करके दोनों लॉक मतलब दो लॉक बीच में है और दो दो लॉक साइड में, इसको हम खोल लेंगे ऐसे धीरे धीरे करके। देखिए इसको हम थोड़ा सा आगे की तरफ स्लाइड कर लेंगे। लेनोवो वाले माउस में और इंटेक्स वाले माउस में सेम ऐसे होता है। तो ये इसका इनर कैप हो गया और ये आउटर कैप, जो कि ये दबता है धीरे धीरे, ये फ्लेक्सिबल होता है और ये थोड़ा हार्ड होता है। तो ये इस पर कसा हुआ रहता है और ये ऊपर से लगा हुआ रहता है, तो इसको हम अलग कर दिए। इसमें तो कोई दिक्कत हमको लग नहीं रहा है, इसलिए इसको हम साइड कर लेते हैं और इसमें देख लेते हैं क्या क्या होता है। आइए आपको समझा देते हैं। इसमें सबसे पहले ये एक व्हील होता है, ये कभी कभी किसी किसी माउस का व्हील टूट जाता है, मतलब ऐसे जोर से दबा देते हैं तो टूट जाता है। टूटता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों साइड से जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पे आप अगर चाहें तो इसको यहाँ से उखाड़ के ऐसे ऐसे निकाल भी सकते हैं, और निकाल के इस व्हील को निकाल सकते हैं ऐसे, इस व्हील को। तो आप अगर टूटा हुआ होगा तो इसका वो लेके पेयर उसको जोड़ लीजिएगा, और जोड़ के आप फिर से इसमें लगा सकते हैं। इसमें ये घूमता है ये अंदर वाला, तो फिर इसका ये वो कर्सर ऊपर नीचे करते रहता है, वो जो आपका वो पॉइंटेड कर्सर दिखता है ना लैपटॉप में उसका। और ये दो ठो आपको स्विच दिया हुआ रहता है, एक ये लेफ्ट क्लिक करने पर ये दबता है ये वाला, और ये राइट क्लिक करने पे, और ये आप कभी कभी देखे होंगे कि बीच वाला ये बटन भी दबाने पे दबता है, तो उसके लिए ये बीच वाला है, ये बीच वाला दबाने पे मतलब सेलेक्ट करने के लिए बीच वाला मतलब ये जो ये रबर का लगा होता है ये भी दबता है ऐसे, तो उसके लिए यहाँ पे बटन दिया हुआ है। और फिर यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है जो कि नीचे से डिटेक्ट करता है। और फिर यहाँ पे देखिए किसी किसी में वायर ख़राब हो जाता है, माउस कोई ख़राब नहीं होता जल्दी, क्योंकि ये इसमें लाइन उतना तेज जाता ही नहीं है, फिर मतलब ख़राब होने वाला कुछ है ही नहीं। ज़्यादातर तार ख़राब होता है, कहीं पे तार अगर शॉर्ट कर गया या फिर ख़राब हो गया ज़्यादा दिन से। तो इसमें यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ रहता है, ये इसको आप निकाल भी सकते हो, यहाँ पे आप निकाल के आप दूसरा भी तार मतलब वायर चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से ओपन करके। तो अभी हम खोलते नहीं है क्योंकि इसमें तो तार तो हम लोग का ख़राब लग नहीं रहा। अगर आपको ये देखिए इसमें चार मतलब पाँच तार लगा हुआ रहता है, तो अगर आप चाहें तो ये माउस तो ख़राब होता नहीं है, तार बाहर से लेके और इसको लगा सकते हैं। इसमें लगा के ये लॉक के साथ आप उसमें लगा दीजिएगा और फिर वो एकदम नया हो जाएगा माउस। देखिए यहाँ पे तार तो पूरा सही लग रहा है हमको, शायद यहीं पे वो कहीं कार्बन वगैरह पकड़ रहा होगा, तो हम सब सही कर दिए साफ ऑफ करके। फिर यहाँ देखिए अब लगा के दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे ऐसे आराम से करके इसमें देखिए वो लगा हुआ है, ताकि इसको पकड़ के घूम सके, नहीं तो गोल नहीं है मतलब उसमें पॉइंटेड पॉइंटेड लगा हुआ है,
यहाँ से इसको अंदर कर लेंगे। अंदर करके देखिए ये जो है ना, ये बटन इसको प्रेस कर रहा है नीचे वाले को, इस ब्लैक वाले को, तो यहाँ पर लगा दिए हम। उसके बाद फिर यहाँ पे हम इसको ऐसे लगा देंगे ऐसे, इसको इसमें पकड़ाना भी होता है, तो ऐसे यहाँ पे कर दिए हम। यहाँ पे ये इसको सही जगह से रख दीजिएगा ताकि इधर उधर थोड़ा होगा तो फिर काम नहीं करेगा सही से। यहाँ पे इसको यहाँ से फंसा देंगे। सारे माउस में फ्रेंड्स एक ही तरह से सिस्टम लगा हुआ रहता है, जैसे ये वायर्ड माउस है, आपको वायरलेस माउस का भी मिल जाएगा। हम शॉर्ट्स डाले हुए हैं वायरलेस माउस का, तो इसमें तो पूरा प्रॉपर वीडियो ही बनाकर आपको दे दिए। हम वायरलेस माउस का शॉर्ट्स डाले हुए हैं इसका, ये भी एक बार ख़राब हो गया था मेरा, तो इसका हम एक बार बनाकर वीडियो डाले हुए हैं, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो चलिए अब हम आपको इसका इसको वो करके दिखा देते हैं लगा के। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आगे ये आगे में देखिए, आगे में फंसाने वाला है, अंदर इसको घुसाने वाला, इसको करके हम अंदर में डाल देते हैं। अब फिर इसको बीच में लगाएंगे, बीच के बाद यहाँ पर साइड में भी दबा देंगे। तो ये देखिए हो गया, और यहाँ पे ये भी ख़राब हो गया था, गिरने के कारण टूट गया था, तो हम इसको सही कर दिए चिपका उपका के। और देखिए हम यहाँ पे इसको लगा देते हैं ऐसे, सब कुछ सही हो गया। और आपको हम इसको यूज़ करके भी दिखाएंगे कि सही सही कितना काम कर रहा है। यहाँ पर हम लगा दिए यहाँ पे ऐसे, तो अच्छे से दबा देंगे इसको ताकि सही से फिट हो जाए। देखिए पहले उठा उठा था जब हम खोलने गए थे, तो अभी देखिए इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे स्क्रू। देखिए यहाँ पे लग गया, बटन भी काम करने लगा, आपको क्लिक का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, ये तो काम करने लगा। और ये रहा प्लग, चलिए अब आपको हम इसको मतलब वो करके दिखा देते हैं काम कर रहा है कि नहीं। आपके सामने लैपटॉप ओपन करते हैं हम, तो फ्रेंड्स हमने अपना लैपटॉप ऑन कर लिया, और देखिए इसको हम इंसर्ट करते हैं इसमें, इसके यूएसबी में। देखिए ये काम करने लगा सही सही फ्रेंड्स, यहाँ पे काम करने लगा, और देखिए इसमें लाइट भी जलने लगा। आपको शट डाउन करके दिखा देते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, शट डाउन भी हो गया लैपटॉप, देखिए सही से काम करने लगा सारा बटन इसका। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपको इसी से मतलब लैपटॉप से रिलेटेड या माउस वगैरह से रिलेटेड या कीबोर्ड से रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई कर देंगे, या फिर हम उस पर वीडियो बनाकर पोस्ट कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे।